हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और ऑफ ग्रेट माइंड्स में, जहां पे हम महान हस्ती की जिंदगी के बारे में बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कियानू रीव्स के बारे में, जो कि फेमस हॉलीवुड एक्टर हैं। उनका जन्म 2 सितंबर 1964 को लेबनान के बैरूत शहर में हुआ था। अगर उनकी फैमिली के बारे में बात की जाए तो उनके पिताजी का नाम सैमुअल नाउलिन रीव्स है, जो कि हवाई यूएसए से बिलोंग करते हैं, और उनकी माताजी का नाम पैट्रिका टेलर है, जो कि इसेक्स यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करती हैं। उनके पिता ने उनकी माँ और उनके परिवार को बचपन में ही छोड़ दिया था, जब कियानू मात्र 3 वर्ष के थे। उनकी दादी जी चाइनीज थी, इसीलिए कियानू को चाइनीज आर्ट और चाइनीज खान पान से काफी ज्यादा लगाव है। उनका ज्यादातर बचपन उनकी छोटी बहन के साथ जोकविले, जो कि टोरंटो के पास स्थित है, वहां पे बीता, और उन दोनों भाई बहन की देखभाल एक दाई माँ के द्वारा हुई। कियानू को बचपन से ही डिस्लेक्सिया की समस्या थी, जिसकी वजह से उनको चीज़ों को याद करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती थी। उन्होंने 4 अलग अलग स्कूलों में पढ़ाई भी की, और 16 साल की उम्र में उनको इस बीमारी की वजह से स्कूल से भी निकाल दिया गया। फिल्मों में काम करने से पहले उन्होंने थिएटर प्रोडक्शन और टेलीविजन फिल्म्स में काम किया। उन्होंने मात्र 9 वर्ष की उम्र से ही थिएटर प्रोडक्शन में काम करना शुरू कर दिया था। उनको म्यूजिक और लिखने का भी बहुत ज़्यादा शौक है। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर डॉग स्टार बैंड भी बनाया, और उस बैंड में वो बतौर बेस गिटारिस्ट गिटार भी प्ले करते थे। कियानू ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1986 में जंग ब्लड मूवी से की। 1989 में कियानू ने कॉमेडी मूवी बिल एंड टेड्स एक्सीलेंट एडवेंचर में भी काम किया, जो कि बहुत ज़्यादा हिट साबित होती है। 23 साल की उम्र में उनके क्लोज फ्रेंड रिवर फोनिक्स की ड्रग्स ओवरडोजिंग की वजह से मृत्यु हो जाती है। 34 वर्ष की उम्र में उनकी मुलाकात जेनिफर साइम नाम की लड़की से होती है, जिससे उनको प्यार हो जाता है। 8 महीने के बाद जेनिफर एक बच्चे को जन्म देती हैं, जो कि जन्म से ही मरा हुआ पैदा होता है। उस बच्चे की मौत से कियानू और जेनिफर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। फिर 18 महीनों के बाद जेनिफर खुद भी एक कार एक्सीडेंट में मारी जाती हैं। कियानू जेनिफर की मौत से और भी ज़्यादा दुखी और हताश हो जाते हैं। 1991 में कियानू ने माई ओन प्राइवेट इडायो मूवी में काम किया, जिसमें हसलर के निभाए हुए रोल से उनको लोगों की काफ़ी ज़्यादा तारीफ मिलती है। 1991 में फिर से उन्होंने पॉइंट ब्रेक मूवी में बतौर एक्शन हीरो काम किया। 1994 में स्पीड, जो कि एक एक्शन मूवी थी, उसमें वो बतौर एक्शन हीरो काम करते हैं। मूवी बहुत ज़्यादा हिट साबित होती है। एक्शन मूवीज में निभाए गए सुपरहिट रोल्स की बदौलत लोग उनको एक्शन हीरो के नाम से जानना शुरू कर देते हैं। उनकी छोटी बहन को लिकेमिया ब्लड कैंसर की बीमारी थी। जब वो सही हो जाती हैं तो कियानू ने अपनी सुपरहिट मूवी मैट्रिक्स से कमाई हुई 70% कमाई उन हॉस्पिटल्स को दान दे दी, जो कि लिकेमिया ब्लड कैंसर का इलाज करते हैं। मैट्रिक्स मूवी के सेट पर जब कियानू को एक बार ये पता चलता है कि एक क्रू मेंबर की फैमिली फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रही है, तो उन्होंने उसकी मदद के लिए उसे $20,000 भी क्रिसमस बोनस के रूप में दे दिए। कियानू मैट्रिक्स मूवी के स्टंटमैन से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और वो 12 के 12 स्टंटमैन को हार्ले डेविडसन बाइक भी गिफ्ट कर देते हैं। उनकी नेटवर्थ $360 मिलियन हैं। इसके बावजूद उनके पास कोई भी हाई स्कूल डिप्लोमा डिग्री नहीं है। वो इतने ज़्यादा डाउन टू अर्थ इंसान हैं कि वो अभी भी लोकल ट्रेन्स में ट्रैवल करना पसंद करते हैं, और वो हॉलीवुड के कुछ चुनिंदा कलाकारों में से हैं जो बिना किसी बॉडीगार्ड के रहते हैं। कियानू को बाइक्स का भी बहुत ज़्यादा शौक है। 2011 में कियानू ने अपने दोस्त गार्ड होलिंजर के साथ मिलकर आर्ट्स मोटरसाइकिल कंपनी की भी शुरुआत की, जो कि कस्टम बाइक्स बनाती है। 2013 में कियानू ने अपनी पहली फिल्म मैन ऑफ ताइची भी डायरेक्ट की।
क्यानु को अपनी जिंदगी में बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा और उन्होंने अपने करीबी लोगों को भी खो दिया, पर इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते रहे और पूरी दुनिया में एक फेमस एक्टर के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान के रूप में भी अपनी पहचान बनाई, जिसने हमेशा मुसीबत में पड़े हुए लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिंदगी कभी भी एक जैसी नहीं रहती, इसमें कभी धूप तो कभी छांव है। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और दूसरे लोगों की भी मदद करने के लिए अग्रसर रहना चाहिए। उनके कुछ फेवरेट कोट्स भी हैं। उनका कहना है कि लोगों में अच्छाई ढूंढना एक कला है और इससे हम इस संसार को बहुत अच्छा और दयावान बना सकते हैं। वो हमेशा टूटे हुए दिल वाले लोग ही होते हैं जो हमेशा दूसरे लोगों की मदद करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कियानू रीव्स की मोटिवेशनल लाइफ स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। भविष्य में ऐसी और मोटिवेशनल लाइफ स्टोरीज के बारे में जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ओर ऑफ ग्रेट माइंड्स को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।